आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना? चैतन्य महाप्रभु का नाम उनके एक भक्त था जिनका नाम था श्रीवास पंडित। तो चार घर के ये बच्चों को ना एक घर में कि बच्चों के घर में बोले खेलो, बोले घर का अंदर में बोले खेलते रहो। अभी कभी ये चार भाई थे और चार भाइयों का शादी भी हो गई, घर में पत्नियां भी बच्चे भी, लेकिन वो चार भाई क्या करते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे और घर में दिन भर बैठ करके जैसे ये मस्जिद ढोल की मजरा है ना, दिन भर लेकर के ठाकुर का नाम ही जप करते थे, ठाकुर का कीर्तन करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु, क्यों चैतन्य महाप्रभु नाम से होंगे, कहते राधा कृष्ण दोनों मिल करके इनका के रूप से चैतन्य महाप्रभु। एक दिन चैतन्य महाप्रभु घर में आए, बोले तुम चार भाई हो, तुम लोग चार भाई शादी भी हो गई और बाल बच्चे भी हो, कोई तो काम धंधा करनी चाहिए, दिन भर कोई काम धंधा नहीं करते हो और पूरा पूरा बैठ कर दिन भर ही हरे कृष्ण नाम करते हो, ये बताओ तुम्हारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, तुम्हारी ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी। जब उन्होंने ऐसे पूछा तो उन्होंने क्या किया जानते हो, उन्होंने तीन बार हाथ में ताली बजाई। तब महाप्रभु ने पूछा, मैंने पूछ रहा हूँ तुम्हारी घर गृहस्थी चलेगी कैसे, तुम तो कुछ बोलना ही नहीं, तीन बार ताली बजा दिया, इसका मतलब क्या है। देखो एक गीता नाम सुना, गीता हमारे जो हिंदू धर्म में जो गीता है, कहते गीता में भगवान कृष्ण के श्लोक बताए, देखो कितने महत्वपूर्ण श्लोक बताए। वो श्लोक है कहते अनन्नाश्चिन्तयन्त माम जे जनाः अपर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहाम्यहम्। के भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे, बोले हे अर्जुन, अगर कोई मेरे सब कुछ छोड़ करके जो मेरे भरोसा में जो बैठा हुआ है, दिन रात मेरी चिंता मेरी कथा मेरी भक्ति में जो व्यक्ति डूबा हुआ होगा, मैं उसके लिए दो काम करता हूँ। कितना काम करता हूँ, बोलो जोर से, क्या दो काम करते हैं। कृष्ण कहते हैं उसको घर में अगर कोई चीज नहीं हो, मैं स्वयं सर पर रख कर घर में पहुंचाता हूँ, क्योंकि मेरा सहारा में बैठा हुआ दिन भर तो मेरी भक्ति पूजा पाठ करता है, अब इसको कौन पालन करेगा। दूसरा काम क्या करता हूँ, अगर घर में कोई चीज है, मैं स्वयं एक चौकीदार बनकर के उसका घर को मैं चौकीदार करता हूँ। ये कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे, बोले प्रभु आप तो गीता में खुद बोले जो सब कुछ छोड़ करके मेरे भाई सामने जो बैठा हुआ होगा उसके लिए मैं दो काम करता हूँ, जब आप ही कर रहे हो इसलिए आपका आदेश पालन करके हम चार भाई सबके सब बैठ कर आपका नाम ले रहे कीर्तन कर रहे, आप तो बुरा क्या कर रहे। बोले तुमने ये ताली क्यों बजाई, तीन बार तुमने ताली बजाई, बोले ताली तुमने क्यों बजाई, बोले पहला जो मैंने ताली बजाई, मैंने एक बार एक दिन तेरे नाम को लेकर के मैं देख लूंगा मेरे घर में कुछ आता है कि नहीं खाने पीने के लिए। पहले दूसरा बार क्यों ताली बजाई, बोले मैं दूसरा दिन भी देख लूंगा तेरे नाम को लेकर के घर में कुछ आता ही नहीं। बोले तीसरे ताली क्यों बजाई, बोले इसलिए मैंने तीसरे ताली बजाई, अगर तीन दिन भी तेरे नाम को लेकर के मैं देख लूंगा मेरे घर में कुछ आता है कि नहीं, अगर कुछ नहीं आएगा ना मैं सोचूंगा भगवान सब झूठ मूठ बोल दिए, ये गीता सब झूठी है। खैर तो मैं गले में कलसी बांध करके गंगा थाल बांध कर बोले गंगा में डूब मरूंगा, सोचूंगा भगवान ने बेकार गीता में जो प्रतिज्ञा की सो बेकार है। इतना जब महाप्रभु ने सुना इतने प्रसन्न हो गए, उसको घर में इतने खुश हो गए, भले श्रीवास भले भले ही एक दिन लक्ष्मी, लक्ष्मी का नाम सुने ना अब, देखना माँ लक्ष्मी हर समय ऐसे हाथ करके बैठी हुई रहती है। हाँ बताओ, अब लक्ष्मी के लिए तो भारत छोड़कर यहाँ आई, लक्ष्मी के लिए तो आई ना, लक्ष्मी के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, लक्ष्मी के ऊपर कुछ होती है, हम लक्ष्मी पूजा करते माँ कृपा करो, लक्ष्मी की कृपा सारा दुनिया चाहते है, लक्ष्मी के बगैर कुछ भी होती नहीं। लक्ष्मी ऐसे हाथ करके बैठी हुई रहती, सबको आशीर्वाद देती है लक्ष्मी। अगर भले लक्ष्मी कभी भीख मांगने पड़ जाए लक्ष्मी को, लेकिन जो सर्वस्व छोड़ करके मेरी शरण में जो बैठा हुआ है ना, उसको घर में कभी अन्न वस्त्र कभी अभाव नहीं पड़ेगा, भगवान की प्रतिज्ञा की।
हैं, भगवान ये प्रतिज्ञा की है। इसलिए आप लोगों ने तुलसीदास जी का नाम सुना हो, सुना हो तुलसीदास जी का? बताओ तुलसीदास कौन थे, अरे बोलो कौन थे तुलसीदास? जो रामचरितमानस लिखे, रामचरितमानस लिखा ना, नाम सुनेंगे, रामचरितमानस लिखे, कहते ये भजन करते थे, राम भक्ति करते थे। एक दिन क्या हुआ, इनकी एक छोटी सी कुटिया थी, वो कुटिया में भजन करते थे। एक दिन दो चोर उसके घर में चोरी करने आए। जब दो चोर चोरी करने के लिए उसके घर में आए, इतने में वो दो चोर ने देखा ये तुलसीदास का जो एक छोटी सी कुटिया है ना, उसको चारों तरफ में दो बालक, नौजवान बालक, पूरा शरीर में हीरे जवाहरात बैठे हुए, धनुष बाण लिए हुए दो बालक उसकी घर को चारों तरफ में पहरेदारी कर रहे थे, उसको घर में पहरेदारी कर रहे थे। तो उन्होंने बोले, इतने सुंदर दो बालक कहाँ से आ गए, बड़े सुंदर हीरे जवाहरात तो पहने हुए, अगर ये भी जब सो जाएंगे ना, सबके सामने चोरी कर लेंगे। लेकिन उन्होंने देखा रात भर तो जो दो बालक थे उनकी घर की कुटिया को चारों तरफ रात भर पहरेदारी की, लेकिन दो बालक सोए नहीं। लेकिन जब सवेरे होने का आया, दो चोर भाग गए, पकड़े जाएंगे। लेकिन वो दो कौन थे, कहते वो राम और लक्ष्मण थे। तो राम और लक्ष्मण थे क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, भजन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, इसलिए जब भाग गए वहां से। लेकिन एक बार ठाकुर को दर्शन किया, उनको मन ही नहीं बना, फिर सवेरे आए गोस्वामी तुलसीदास जी को पास। तुलसीदास जी, रात को हम आपके घर में चोरी करने आए थे, लेकिन देखा आपके दो चेले थे, एक श्याम रंग का और एक गौर रंग का। हमने देखा आपके घर की चारों तरफ में परागण कर रहे थे, बड़े सुंदर दो चेले थे, वो दोनों चेले कहाँ गए? तुलसीदास जी ने बताया, मैंने कभी जिंदगी में चिल्लाई नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उसकी वर्णना सुने है ना, एक गौर रंग की और ये श्याम रंग के थे, और पीताम्बर नीलाम्बर पहने हुए थे, धनुष बाण लिए हुए थे, समझ गए ये तो मेरे प्रभु थे, ये तो मेरे प्रभु थे। फिर तो तुलसीदास जी दोनों चोरों के चरणों में गिर गए, बोले भैया तुमने चोरी करने के लिए आए हो, लेकिन मेरे प्रभु का दर्शन कर दिया, तुम लोग बड़े भाग्यवान हो। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते, जो प्रभु की शरण में बैठे हुए होते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसकी घर की मैं पहरेदारी स्वयं में करता हूँ, इतने ही महिमा। और भगवान खुद कहते हैं घर में अगर कोई कुछ नहीं हो, मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ। भगवान ने इतने बड़ी प्रतिज्ञा भगवत गीता में, इतने बड़ी प्रतिज्ञा ठाकुर ने की है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, भगवान को अगर विश्वास करके उनको भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना, उनकी भक्ति करनी चाहिए प्रभु को अगर में विश्वास करते हुए। इसलिए वो जो चाय लाए थे, सबके सब पूरा के पूरा परिवार बैठ करके हरि कीर्तन करते थे, हरि की नाम करते थे, ठीक है। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ में पीछे पीछे बैठे करके अब हनुमान का नाम सुने, कौन कौन सुने हनुमान का नाम, जब सुने हो ना आप बताओ, ये एक बात बताओ, हनुमान जी दिन भर किसका नाम जप करते हैं? रघुपति राघव, राजा राम, पति तो पावन सीताराम, यही नाम करते हैं, यही नाम करते हैं ना, रघुपति राघव, राजा राम, पति तो पावन सीताराम, और राम की सेवा क्या करते हैं, करते कि नहीं, राम की सेवा और राम का नाम लेते हैं। एक दिन देखो घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है, और हम भी जाकर हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी इच्छा पूरी कर दो। क्यों, कारण है हनुमान जी प्रभु की नाम को जप करते हैं, राम की सेवा करते हैं। इसलिए जो राम की जो नाम और राम की जो सेवा है ना, उसमें बड़ी शक्ति है। इसलिए आप लोग सब मेरे पीछे पीछे ताली बजाते हुए हरि का नाम लो, ठीक है, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
रात नहीं बजता छोड़ती है। इसलिए भारत में जो लोग प्रिंटर को पूजा करते हैं ना, जैसे नीम प्रिंटर है, पीपल प्रिंटर है, ये सबके सब रात में ऑक्सीजन छोड़ने वाले सबके सब प्रिंटर है। इसलिए जो घर घर में माता है जो तुलसी पौधा लगाती है ना, ये समझो ये बहुत बड़े बड़े साइंस है। इसलिए हर घर में तुलसी पौधा हमारी होनी चाहिए, घर में बीमारी नहीं आएगी, समझ रहे हो। इसलिए घर में बीमारी नहीं आएगी। इसलिए हम लोग तो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग है, देखो ये सब अंग्रेजी लोग है, अंग्रेज देखो गले में तुलसी करके देखो, ये तिलक लगाए देखो, बच्चे को देखो गले में कंठी और तिलक, ये तिलक किसकी संस्कार है, भारत ये सब चीज। लेकिन हम तो पैसा कमाने के लिए भारत से ये आए, लेकिन जो पैसा कमाने के लिए आए ऑलरेडी उसमें ये बैठे हुए हैं। लेकिन देखो इसकी महिमा समझ करके गले में कंठी तिलक भगवान की भजन कर दी, ये लोग क्यों भजन कर रहे, भक्ति क्यों कर रहे। देखा आनंद है ना, अगर कहीं आनंद है प्रभु की भक्ति में, आनंद है प्रभु की भक्ति में, रस ही है भक्ति में, आनंद है। इसलिए कई लोग सब गले में कंठी तिलक लगा करके भगवान के नाम को लेते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो सबके सब, बोलो हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप लोग घर में आए ना, आप लोग सब तिलक लगा दिया ना, हम लोग सब तिलक लगाए, किस किस को सब तिलक लगा दिए। ये जो तिलक है ना, ये भी बहुत बड़ा साइंस है। हम लोग तो भारत के लोग है, देख लेना जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए जाता है उसको क्या लगा कर बेचते हैं, तिलक लगा कर बेचते हैं, बेटा जा तेरे काम बन गया, विजय का लग गए। और रामायण महाभारत देखे होंगे, देखे कि नहीं महाभारत रामायण, वहां पर देख लेना रामायण महाभारत में जब कोई युद्ध करने के लिए जा रहे हैं उसको क्या तिलक लगा कर उसको दे सकते, ये तिलक विजय का लक्षण। जैसे घर में कोई पुजारी आएगा ना, देखना जब तक ये तिलक नहीं लगाता है तब तक पुजारी नहीं करता। इसलिए ये तिलक की बड़ी महिमा है। इधर देखो ये जो जो ये है ना, ये ब्रह्मा है, ये जो बीच में जो खाली है ना, ये विष्णु है और ये महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये जो दो आप लगाए ना, ये ठाकुर का दो चरण है, ठाकुर के दो चरण है ठाकुर जी की। और इसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी के बच्चों को कि जैसे ठाकुर का चरण में हम तुलसी पत्ता देते हैं ना, ये तुलसी दल है, जैसे ठाकुर का चरण में दे। आप लोग भगवान देखो, भगवान कृष्ण को देखो, गणेश जी को देखो, हनुमान जी को देखो, राम को देखो, तिलक लगाए नहीं ठाकुर, ठाकुर जी तिलक लगाए कि नहीं ठाकुर जी, ठाकुर जी भी भगवान भी तिलक लगाते हैं, हमारी बात छोड़ दो, ठाकुर भी स्वयं तिलक को धारण कर गया। इसलिए तिलक की इतने महिमा है, इसलिए ये भजन में मीरा गा रही है वृंदावन, कहाँ पर वृंदावन, जिस घर में ठाकुर को पूजा हो, घर में तुलसी की पौधा हो, वही घर ही वृंदावन धाम है। इसलिए ये मीरा कहती है पहले आज सब ताली बजा तुम्हें कीर्तन करो, ठीक है ना, सब ताली बजा तुम्हें ठाकुर का कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन में बड़ा आनंद है, शांति है। इसलिए आज प्रभु घर में समस्त सबको बुलाया, कीर्तन और हरि कथा करवा रहे हैं। जिस घर में हरि कीर्तन होना वो घर नहीं हो वृंदावन धाम बोल सकता है। इसलिए कितना मंगल भवन अमंगल हरि, जहाँ कीर्तन होना घर का जितने अमंगल हो, अगर घर में कोई गंदी चीज हो, जिस घर में हरि कीर्तन हो जाएगी वो घर से सारी गंदी चीज, भूत पिशाच डाकी साथी, जैसे भूमि का कहीं दोष होता है, आप लोग देख लेना कभी कोई घर में भले ही जितने पैसा क्यों नहीं हो, आप देखना घर में कभी शांति सुख नहीं होता है, सब कुछ घर में शांति सुख नहीं, क्यों, वो भूमि का कुछ दोष है। लेकिन जिस घर में हरि कीर्तन हरि नाम हो गया, समझो क्या हो गया, सारे घर के अमंगल सारे खत्म हो जाती है। इसलिए कहते मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर जी का नाम, इसलिए सब पीछे ताली बजाते हुए कीर्तन करो। देखो जो बोलते ना हरे कृष्ण समझो, ये हरे मतलब क्या है, हरे मतलब होता है हमारी दुख कष्ट को जो हर ले,
इसलिए हरि का नाम क्या है ना, हरि मतलब क्या है, हमारे दुख कष्ट को जो हर ले। बोले कृष्ण मतलब क्या है, जैसे देखना घर में सब कुछ इलेक्ट्रोमैन में शांति नहीं, जो क्री मतलब होता है आकर्षण करना, और स्ना मतलब आनंद देना। अगर ये कृष्ण नाम करने से मन को शांति मिलती है, क्या मिलती है मन को, और राम मतलब क्या है, जो जीवन में हमें आराम दे, सुख शांति दे। इसलिए हरि का नाम लेने से सारे दुख कष्ट दूर जाएगा और मन को शांति सुख मिलेगी। ठीक है, बोले आली मोहे लागे वृंदावन आली तो, 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 सब्जी बना रही हो, घर में तो सब्जी
सब्जी बनाती होगी ना, जैसे कोई बढ़िया सब्जी बनाए, खूब घी डाले, खूब मसाला डाले, उसमें खूब उसमें हर चीज बढ़िया बढ़िया डाले, लेकिन ऐसे की चीज है जो सबसे कम पैसा का चीज है, सबसे कम पैसा की, अगर उसमें नहीं डालोगे ना खा नहीं सकते हो, बताओ तो माता है क्या क्या चीज है? अरे बोलो जोर से, नमक है, है? अगर उसमें सब्जी में अगर नमक नहीं डालो ना, भले ही जितने घी मसाला डाले हो, अगर उसका परसों दोगे ना पति को, अगर परसों अगर उसे नमक नहीं क्या बोले बेकार है, क्या बना दिया सब, लेकिन भले ही उसमें इसमें मसाला नहीं, उसमें तेल मसाला ज्यादा नहीं, लेकिन नमक सही सही ना आप देखना रोटी खा लेते हैं, रोटी को हम खा लेंगे। इसलिए मीरा कहती है घर में सब कुछ बढ़िया है, पत्नी बहुत अच्छी है, पति बड़ा अच्छा है, बच्चे भी अच्छा है, घर की बखान भी बढ़िया है, लेकिन मीरा कहती है अगर भगवान की भक्ति नहीं करते है ना, कद भजन बिना नरो फीको है, अगर प्रभु की भक्ति नहीं है ना, कहते भैया वो संसार पूरा फीका का फीका है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसके कोई महत्व नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी एक बहुत एक अच्छी बात बोलते थे, मत देख रहे सुनो हरे कृष्ण। एक समय कुछ लड़के लोग नदी पार कर रहे थे, कोई सीए कोई डॉक्टर इंजीनियर था, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, जब नदी पार कर रहे थे इतने में जो बीच दरिया में पहुंच गया नाव ना, उसमें जो सीए कर रहा था वो नाव वाले से पूछ रहा है, बोले तेरे को सीए के बारे में कुछ पता है? बोले सीए क्या होता, हम तो नाव चला करके दो पैसा रोजगार करके खाता पीता हूँ। बोले तेरे तो 25% बेकार जीवन गया, तो सीए नहीं जानते। और थोड़ी दूर गया जो डॉक्टर है, उसने पूछा भैया तुम डॉक्टर के विषय में तेरे कुछ पता? बोले डॉक्टर क्या होता है, मैं तो कुछ पता ही नहीं। बोले तेरे तो 50% बेकार जीवन बेकार। जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोले तेरे को इंजीनियरिंग कुछ पता है? बोले इंजीनियरिंग क्या है, मैं तो कुछ पता नहीं, मैं तो नाव चला कर दो पैसा रोजगार कर पेट पालता हूँ। बोले तेरे तो 75% बेकार गया। इतने में जो बीच दरिया में है, जब बीच दरिया में नाव पहुंच गया ना, इतने में नाव में हो गया छेद, छेद हो गया, पानी घुसना शुरू हो गया। वो बड़ी कोशिश किया रोकने के लिए, रोक नहीं पा रहा। नाव वाले ने पूछा तुम लोगों को तैरना आता है? बोले तैरना जानते? बोले तैरना क्या होता है? बोले तैरना नहीं जानते हो? बोले मेरे तो 75% जीवन बेकार जीवन था, तुम्हारे भी 100% जीवन बेकार। वो देखते देखते नाव में पानी भर गया, नाव तो डूब गया, और जितने सीए डॉक्टर इंजीनियर डूब कर मर गया, लेकिन उसको तो तैरना आता था, बात नदी पार हो गई। देखो देखो ये मीरा क्या कहती है, ये मीरा ये कह रही है अगर हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ संसार में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं किया है ना, अगर प्रभु की भजन नहीं किया है ना, मीरा कहती है भजन बिना नरो, अरे बोलो भजन बिना नरो। आप लोग तो हिंदी लोग थे, इंडिया से आए हो, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग बताओ जब एक व्यक्ति शरीर छूट जाती है, जब उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? किसको सुनाते हैं? जो ऊपर से लेटा हुआ है ना, उसको सुनाता है, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं? जो ऊपर लेटा हुआ व्यक्ति को। बोले तो जीवन में जितने राम का और कृष्ण का नाम लिया है, तेरे साथ में वही जा रही है, इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ इकट्ठे किया हो, जीवन में तुमने जो कुछ किया, तुमने झूठे में जीवन बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही है। जिस पत्नी को तुमने सात फेरा लगा करके शादी किया था, वो कहाँ तक जाएगी तुम्हारे साथ में? वो रो रो करके वो दरबार तक जाएगी, वही तो जाती है ना। अब परिवार के लोग कहाँ तक जाएंगे? परिवार का लोग शमशान तक जाएंगे, उसको आगे कुछ चलने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है, माता की बात मत करो, इसलिए यहाँ पर मीरा कहती है पायो जी मैंने, अरे बोलो पायो जी मैंने, हाँ ये चीज को गांठ बांध कर रखो, जीवन में जितने भजन किया वही जाएगा,
इसके सिवाय साथ में कोई जाने वाले नहीं। इसलिए पीरा कहती है भजन बिना नरो फीको है। अगर भजन तुमने नहीं किया है ना, तुम्हारी जीवन सो बेकार जीवन है, किसी काम की जीवन नहीं। इसलिए देखो ये विदेशी लोग होकर के देखो कैसे गले में कंठी माला तिलक कैसे भजन कर रहे हैं। हम अपना देश छोड़कर यहाँ खुशी होने के लिए क्यों सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिल जाएगी, पैसा मिलेगा, इसलिए हम खुश। इसलिए तो आए ना भारत में, किस पैसा कमाने के लिए आए ना, इधर आएगा तो पैसा कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अगर ये खुशी होते है ना, ये सब खुशी होते है, ये गले में कंठी तिलक लगा कर भजन नहीं करती। इसलिए ये लोग इसे तिलक कंठी नहीं लगाते, ये तिलक कंठी नहीं लगाते, ये लोग हरि कृष्ण नहीं करते। इन लोगों ने हम जिस भोग को भोगने के लिए आ रहे ना, ये ऑलरेडी भोग करके उसको पीछे फेंक दिया। इन लोगों ने देखा इसमें कोई शांति सुख नहीं है। शांति सुख तो प्रभु की भक्ति में ही शांति है। लेकिन हम सब क्या सोचते हैं, ज्यादा पैसा कमाएंगे, बड़े बड़े घर बनाएंगे, चमक थमोगा तो सुखी हो जाएंगे। अब अमेरिका का देश का गूगल में खोलना, उसका हेडलाइन पढ़िएगा कि वहाँ के 80% लोग रात में जब तक डिप्रेशन का गोली नहीं लेते इनको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती 80% लोग अमेरिका, उनको रात में सोने के लिए डिप्रेशन का गोली लेना पड़ता है। देखो हम जो भारतीय है ना, देखे चीज समझो, जो भारतीय अपना परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, पिता माता, इनका कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, इसलिए इतना डिप्रेशन है। पत्नी कहाँ, बच्चे कहाँ, पिता कहाँ लगा, इसलिए सब डिप्रेशन है। आप लोग तो भारत का संस्कार यहाँ लेकर आए हो, देखना आपका जो बच्चा होगा कैसे बनेगा, आप खुद देख लो। हम तो भारत का संस्कार लेकर के आए, इसलिए खुश हो परिवार को साथ में, देखना थोड़े बच्चे कैसे बनेगा देखना, क्योंकि स्कूल में जाएगा बच्चों को साथ में चलेगा, उसका ही संस्कार पड़ेगा। तुम्हारी हमारी भारतीय संस्कृति नहीं रही, इसलिए जो शांति शांति सुख है ना भैया, पैसा में नहीं है शांति सुख, भगवान की भक्ति में, भजन में, तभी ये लोग गले में कंठी तिलक देखो कितना ध्यान से मैं बोलता हूँ, सब ट्रांसलेशन करके सुन रहे, सुनाई नहीं देता। इसलिए 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 अगर हम शांति में रहना चाहते ना, भजन करो, भगवान की भक्ति करो, नहीं तो ये लोग गले सब ये सब ड्रेस नहीं पहनते, ये सब हाँ देखना भारत का भगवान ड्रेस पहन करके तिलक गले में कंठी नहीं पहनते। इनका किसी इनका बहुत बड़ी बगीचा थी, जो बच्चे बड़ी बड़ी बगीचा, बड़ी बड़ी तो सोच नहीं सकते, इतने बड़े बड़े बड़ी का घर है, इतने बड़े बड़े घर इन लोगों का। लेकिन ये लोग क्यों इसको गले में कटी, भैया एक उदाहरण दिया समझो, जैसे कि पिंजरा है, अच्छे तरह से दिमाग में समझ बैठाओ, जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है, लेकिन हमने ये पिंजरा को दिन भर पेंटिंग करते हैं, लेकिन तोते को खाना नहीं देते, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, हाँ बताओ तोता जिंदा रहेगी नहीं। उसी तरह ये शरीर पिंजरा है, इसको तो हम बढ़िया से खिला रहे हैं, बढ़िया से पहना रहे हैं, बढ़िया से ब्यूटी पार्लर में सजा रहे हैं, लेकिन उसका जो तोता जो बैठा हुआ ना, हमें ध्यान नहीं, तोता वो परमात्मा है, उसकी जो असली आहार है ना, इसका आहार तो रोटी दाल सब्जी है, उसका जो आहार है भगवान की भक्ति, भगवान के नाम है, भगवान की भक्ति ही इसकी आहार है। अगर उसको वो असली आहार नहीं दोगे ना, बस एक दिन पिंजरा खत्म, तो खत्म हो जाए। इसलिए इसका जो आहार है भगवान के नाम, इसलिए हम बोलते हैं ना भगवान की भक्ति से मन को शांति मिलती है। क्या मिलती है मन को, शांति मिलती है, शांति मेन वस्तु है। इसलिए ये लोग यही शांति की खोज में सब गले में कंठी माला तिलक भरे हैं, शांति हमें मिले भगवान की भक्ति में ही शांति, ठीक है ना। इसलिए भगवान की भक्ति करो और जीवन में सुखी रहो। सबके सब कीर्तन कर हाथ में ताली बजाते हुए बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare।
I'm
आज हमारी ज्यादा है ना, ये काम खत्म कर रहे हैं इसलिए वो सवाई सुन नहीं पा रहे। आप लोग थोड़े आगे आ जाओ, ये पीछे चले जाओ, पीछे बैठ करके आप लोग थोड़े से आगे आ जाओ, आप लोग पीछे चले जाओ, ये लगा के अब लोग आगे आ जाओ, थोड़ी आगे Maharaj, a bit over for the camera. Just a little bit over. A little over for the camera. Yeah, just a little bit. Just a little bit. Because if you... Only part of you is there. Stop. Thank you. Hare Krishna, 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 Sita. हो जाती कि नहीं,
इसलिए कि जो दुनिया चलती है ना केवल शब्द से चलती है, और भैया जब साधारण शब्द में इतनी शक्ति है तब भगवान के नाम से कितनी शक्ति नहीं होगा, भगवान की नाम में कितने शक्ति नहीं होगा। इसलिए हरि बोल मतलब है जो हरि का नाम लेने पर क्या होता है, सारे दुख कष्ट हमारी दूर हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हरि बोल, हरि हरि का नाम लेने से क्या होगा, तुम्हारी दुख कष्ट सब तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसलिए हम हरि बोल कहते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे बीच में महाराज जी है, महाराज जी आपको थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे, क्यों भजन करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, ठीक है। अब लोग अंग्रेजी समझती हो, थोड़ी बहुत समझती हो ना। हरे गुरुवे गौरचंद्र राधिकाया सदाए कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। अग्नाथनन्दस्य अग्नञ्जनाशिवाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च विभसिंहुभ्यश्च त्रिजुनां पावनेन्दुः वैष्णवेन्दुः नमो नमः। Maharaj asked me to say two words on his order on why a Western person would take to Bhakti Yoga. Well, it's a very interesting thing. They say that East is East and West is West and never the twain shall meet. This is an idea in the past that Western culture and Eastern culture are so different. But there are four stages of life, generally in historical record of all cultures, they go through the idea of Dharma, Artha, Karma, Moksha. First, there is some religious dedication, religious development in any society that brings them to the platform of economic development. Economic development allows the people to fulfill their desires, become satisfied and engage in a positive way, develop their generations. And then, of course, because the material world is inherently temporary, the bodies of the living entities are not permanent, and the relationships are fraught with so many dangers, so many difficulties. Therefore, the people eventually become frustrated and they seek their way out of this situation. They try to understand what is absolute truth, and they endeavor for moksha. So these are the four purusharthas. And those persons in the Western country, they know very well that they've had a very developed society, and through several hundred years, mainly at the expense, or to a large part at the expense of so many other communities and societies. And the material politic is based on one principle of violence. And that's why in Arthashastra, the Kshatriyas have to always expand their kingdoms. If a kingdom is not expanding, then it becomes weakened and is overcome by its adversaries. So the same principle is understood in the Western civilization. And therefore, through the last 200 years, there's been expansion of economic growth. And that's also led to quite a bit of opulence and prosperity for the people who live in the Western countries. Unfortunately, when a jiva becomes saturated with material opulence and engages in sense gratification, then that leads to the degradation of the soul. So, Brahmanical culture is based on two things, Gaurakshati and Brahmavidya. And Brahmavidya, to develop the human consciousness, we need Samo Dhammo Tapo Satcham, Shantim Ajava Devacha, Gyanam Vigyanam Ashtikam, Brahma Kama Svabhavajam. That if the living entities aspire to follow the path chalked out by Brahmanical life, respect the Brahmins, serve the Brahmins, serve the higher castes, and follow those principles, then the society can be peaceful.
Unfortunately, the cows also have to be protected. And when the cows are not protected, when the cows are killed, it is the greatest sin imaginable. And when papa is performed, papa and apparatus performed, then there is a terrible reaction. The sin comes upon all the generations. As explained by Arjuna to Krishna, that when the flower of womanhood is not protected in the society, then all the generations dwell in hell. So this is saying that the religious principles have to be maintained generation after generation. And the women in a society, they're regarded as Durga. The Durga also means a fortress. They protect the religious principles of the generations that go from birth after birth throughout the family line, throughout the Gotra. And then the people can develop and grow and become suitable and able to approach liberation. But all these religious principles have been broken down. We know that from the history of Srimad Bhagavatam that the people who actually came to the western areas were originally descendants of the Kshatriyas. 21 generations were defeated and killed by Parashuram Avatar, and they were driven to the western countries, and they became the forebears of European people. And in this very harsh environment of the European freezing wastes, they lost their religious principles, they lost their Vedic principles. You can still see in Lithuania, Estonia, in northern Germany, and the Scandinavian countries, there are the remnants of Vedic culture. So Vedic culture was a worldwide culture. But everything broke down, and then the Europeans developed a very sort of a more practical culture based on survival rather than understanding the higher aspect of human civilization. There are two paths, Prakriti Marga and Nivriti Marga. If we're performing a Nivriti Marga, it's based on understanding that there is a detachment from material engagement and a purpose to seek some higher reality, higher purpose, which ultimately aims at liberation from birth and death, and ultimately higher than that is ecstatic union with God or praying. But the Prakriti Marga is a marga which engages us in entanglement with material energy. We're performing more and more processes which bring about a material reaction. And then what happens is we get dragged down. And birth after birth, instead of progressing to a higher and higher life, buddhva-buddhva-praliyate, without fail, the living entity is plunged again and again into the cycle of birth and death. And the Westerners have... Western cultures have promoted the idea of sinfulness, destruction of religiosity, emphasis of the individual at the expense of a community, and therefore we have a very chaotic situation. Education has broke down, communism has been promoted as an ideal, and the people are becoming impoverished, families are broken down, all this has been destroyed. So naturally people in the West there are asking for questions, what is the answer? But the answer is there in the Bhagavad Gita. Sri Krishna says, Rajavidya Rajaguyam Pavitram Idamutanam Prachakshatavam Dhamyam Susukam Kartamaliyam. He says, O Arjuna, this knowledge I'm giving you as the king of all education. Rajavidya Rajaguyam, but it is hidden. It is a secret knowledge. Today I'm giving it to you because you're my friend. But it is very hard for the materialists to understand. But it gives Prachakshatavam Dhamyam. It is a perfect religion because it gives direct perception of the self. And it gives susukam kartam aviyam, it gives always joyfully performed realization of the bhav, the happiness that's coming from the soul. So people who follow bhakti, from whatever caste they're from, kiva vipra, kiva nyasi, Mahaprabhu says, whatever caste one is from, if he takes to bhakti yoga, he can become purified and he can attain the goal of life, which is... realization of Krishna, realization of God. So then he understands who is God. Yomam paschati savatra sarvam chamayi pasati sachamam na pranashati sachamina pranashati. Krishna says, whoever sees me everywhere and whoever sees himself in me, I'm never lost to that person. So this is the point that God is wanting us to follow the path of bhakti. Bhakti mamavi janati. Krishna says, there's no higher path than bhakti. He says, savadamam prachaja. And he says, Bhaktosi me sikha cheti rahasyamita uttamam. You should follow this path because it is what I'm giving you. Other paths they'll lead to a temporary benefit. Even if you attain after hard work, we try to attain liberation. Still, again, the soul can fall from even the liberated platform if he becomes a mukta or a mukmukshu, becomes a mukta. He can still take birth into the cycle of samsara. So to finally end, the Western people are now, by the mercy of the sadhus, Shuddha Vaishnavas
and our Guru Parampara and the mercy of our Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, and Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all the great sadhus, Srila Gaugavinda Maharaj, who have come to the West who are preaching this path of pure bhakti and are given by Chaitanya Mahaprabhu. The light is going on in the world. People are understanding that the real happiness will be gained only by following this path, and they cannot get any happiness from material sense gratification. And we know eventually the time will come we all have to leave this body. One day Yamaraj will send his messengers, they'll knock on the door, and they'll say, time to come. We can't say, can you just give me another 10 minutes? I'd like to adjust my hair. Or I'd like to talk to my children before I go. When the time comes, we have to go, and our Gurudev says, you cannot take anything with you. But the only thing you take with you, we're understanding that now, Gurudev's taught us, is this Madhura Madhura Metan Mangala Mangalana. Sakala Nigava Sakala Nigamabali Satalam Chicharupam Sakrida Piparigitam Shadaya Helayava Brigunara Varamatram Tariyat Krishna Nam. That this Krishna name, it's chanted even neglectfully, or with faith, has the power to deliver us from the cycle of birth and death. And in association of sadhus, Bhakar Maharaj, Pujipar Maharaj Sri, then we can get the taste for that, we can get the understanding, we get that Vidya Brahma Vidya, and we can go forward in the path of bhakti and attain the goal of life, which is ultimately to end the cycle of birth and death. Very nice story in Sri Ramayana when Narada Muni goes, at the beginning of Ramayana, of Valmiki Muni, when Nara first meets him, and he's a very ferocious hunter, he's living in the forest, and Nara challenges him, he says, well, if you are doing this part and killing so many animals, you're taking on so much karmas for your future. You should at least ask your family, you're supporting your family, so that's what I'm doing. Are they prepared to go to hell for you and share some percentage of your pup? So he went to the family, went to his wife. Well, I'm working for you, killing animals, I'm creating so much sin, and in order to support you and our children, will you take some of the sin for reaction? And the wife said, no way. And he asked the children, will you take some of the sin I have to suffer on your behalf? And the children thought, no, I won't do this. So ultimately, who is there? He realized he was alone, so what did he do? There was no support in this world. This world is a world of fallible soldiers. So he came to the lotus feet of his Guru Maharaj, and he begged for his mercy, and then he got the name of Sri Ramchandra. Sri Ram Hanuman ki jai. Gaur Ramananda. हरे कृष्णा महाराज जी आपको बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाए आपको समझ में आए कि नहीं महाराज जी यही बता रहे हैं जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आए ना तब तक जीव को शांति सुख नहीं मिलने वाले जब जीव प्रभु की शरण में आएगा तभी जीव को परम शांति और परम सुख मिलेगा है इसलिए हमारी गीता रामायण महाराज जी बहुत सारे श्लोक उच्चारण किया है कुछ वेद से कुछ भागवत से कुछ भगवत गीता से महाराज जी श्लोक उच्चारण किया लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि विदेशी होकर के हमारी गीता रामायण भागवत को पढ़ते हैं लेकिन हम देसी लोग होकर के ना पुलिस तो बेकार चीज है शायद विदेश में जाकर पैसा डॉलर कमा कर सुखी हो जाए हमारे मन में ये भ्रम बैठा हुआ है लेकिन ये लोग ये चीज को भोग करते करते जिसको थूक करके फेंक दिया है हम लोग उसको उठा कर खाना चाहते हैं लेकिन ये हमारी जैसे हम हिंदू है अगर आपसे पूछे बताओ तो गीता का कोई एक श्लोक इधर रामायण का कोई चौपा बस बता सकते हो लेकिन अगर पूछे कौन हीरो का नाम क्या है कौन हीरोइन का नाम सब याद लेकिन हमारी गीता रामायण को कोई याद नहीं इसलिए एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे ध्यान देकर सुनो हमारे जो बड़े गुरु जी थे एक दिन हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने बोला बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते घर घर की कहानी बच्चे बात नहीं सुनते थे गुरु जी क्या बोले बोले बेटा रामायण पढ़ते हो बच्चे को कभी रामायण पढ़ा है बोले नहीं बोले जब रामायण पढ़ोगे नहीं बच्चों को नहीं पढ़ा तेरे को दुर्गति तेरे को तो मिलेगा नहीं किसको और मिलेगा जो कहां पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए कहां पर बताया रामायण में भगवान सबसे पहले उठ करके क्या करते हैं बोले प्रात उठ ही रघुनाथा हरुमात प्रीत गुरु नमहि ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण छुए रामायण देखे कि नहीं तो बिना जब दशरथ महाराज सैनिक हुए इतना भगवान राम पिताजी के चरण इतना प्यार दबाते और भगवान 14 साल के लिए वनवास गए कितना साल के लिए
कितना साल के लिए गए? अगर हम अपना बेटे को बोलते हैं 14 दिन के लिए मेरा आदेश पालन करने के लिए देना, बचा जाएगा? वो 14 दिन के लिए हनीमून मनाने जा सकता है, लेकिन पिता माता की सेवा के लिए नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे ये बात, कारण है हम रामायण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, और जितने सब उल्टा उल्टा चीज को पढ़ करके याद रखे। इसलिए अगर महाराज यही बता रहे थे, अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, कृष्ण गीता में बोले जब तक ये जीव मेरे शरण में नहीं आएगा तब तक ये जीव को कभी शांति सुख मिलने वाले नहीं। इसलिए ठीक है ना, हरि नाम करना। हाँ, आपको छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ यार, हम लोग ध्यान देकर सुनो। अभी प्रश्न होता है Western people like myself, we're coming from a very low background. We have no yati dharma, no kula dharma, no sanatana dharma, no proper understanding, no sanskriti. But therefore, they realize they're in a very difficult problem. So Mahaprabhu says, Saru sange krishna bhakti shari yari hoi, bhakti phala prema hoi sangsara yoga shai. That when the sadhak bhakti obtains the paramartika shraddha in association of rasik vaishnavas, who are very advanced, then he very quickly obtains the fruit of bhakti, prema, and his material entanglement is easily dissipated. So this is the point. From the lowest place, still Krishna can give us association of sadhu and guru, and then we can become liberated from all suffering in this world. Hare Krishna. Hare Krishna. लास्ट में समस्त दुखों को दुख कष्ट को दूर करके और ठाकुर जी की चरणों को प्राप्त करेंगे, हैं जो ठाकुर जी की नाम लेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। अभी प्रश्न होता है, हम भगवान की भक्ति करें तो क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हैं किस लिए भक्ति करें? छोटी स्टोरी सुनो, लो ध्यान देंगे। बोले एक समय कोई एक भिखारी था, वो भीख मांगते मांगते एक बहुत बड़े जमींदार घर में पहुंच गया। जब जमींदार को घर में पहुंच गया, बोले बाबूजी 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से खाया नहीं, कुछ हमें भोजन दे दो, तेरे भला होगा। तो वो सेठ निकल कर गए, आकर के देखा, भैया तू तो बड़े हटे कट दिख रहे हो, तो काम करके तो खा सकते हो, ये क्यों भीख क्यों मांग रहे हो? बोले मैं मजबूरी से। बोले मजबूरी? किस चीज की मजबूरी? बोले मैंने बहुत कोशिश किया कोई काम धंधा करने के लिए, लेकिन सोने में भी हाथ लगाता वो मिट्टी हो जाता। लास्ट में भीख मगाए सवाए और कुछ रह ही नहीं गया। तो जो बहुत बड़ा बिजनेस मैन था, बोले देख आज से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएगी। बोले कैसे? बोले मेरा चावल का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तेरे को अपना पार्टनरशिप देता हूँ, जो उसे प्रॉफिट होगा ना आधा तेरा और आधा मेरा है। अगर कोई भिखारी अगर भीख मांगते मांगते अगर किसी जमींदार घर में पहुंच जाए, अगर कोई बोल दे पार्टनरशिप, बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन इसको सुनकर उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच से कह रहा है ना, मेरे साथ नसीब लेकर आए। तो उसने कहा, बोले कुछ मत देना तो मत दिया करो, मेरे साथ नसीब ले क्यों करते हो आप? इतने हैं, इतने बड़े जमींदार काम है, रास्ता का भिखारी। तो वो जमींदार का मैं तेरे को हंसी दिले की नहीं करता, सही बता रहा हूँ तेरे को, मैं सही बताता हूँ। अगर आप बोलोगे ना पूरा के पूरा बिजनेस में तेरे को दे सकता, ये पूरा पूरा तो बिजनेस ले ले, लेकिन एक काम करियो, महीना का लास्ट में जो प्रॉफिट होगा ना 10% मेरे को दे, और तू 90% तुरंत। कितना कितना डेली हुआ? अरे बोलो, 10% किसका है? मालिक का। 10% मालिक का, और 90% किसका? बीमारी का। अभी डील हो गया। बोले बाबूजी दिन रात मेहनत करके मैं पैसा कमाऊंगा, और महीना खत्म होने से पहले ना 10% तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा, हैं? बस बोले ले आज से अभी से काम शुरू कर। बोले दिन रात मेहनत करके काम कर, कोई बात नहीं, मुझे अच्छे तरह से काम कर, बढ़िया से रहो। अभी मालिक ही सोच रहा है महीना शेष होने से पहले 10% घर में आएगा, वो इंतजार कर रहा। लेकिन उसने देखा एक महीना खत्म हो गया, वो बोल रहा था महीना खत्म होने से पहले दे जाऊंगा, लेकिन महीना खत्म हो गया, लेकिन वो देने आया है।
तो उसने सोचा भैया हो सकता है कि काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया हो, कोई बात नहीं, अच्छे तरह से काम करता करे, बिजनेस को अच्छे तरह से संभाले। अभी दूसरे महीना में इंतजार कर रहे हैं 20% आएगा, लेकिन जब दूसरे महीना में देखा तब भी वो आया नहीं। बोलिए क्या हो गया, सारे बिजनेस दे दिया, ठीक है काम धंधा अच्छे तरह संभाल रहे। तीसरा महीना हो गया, लेकिन ऐसे करके जब 6 महीना हुई तब भी वो नहीं आया। बोले भैया ज्यादा कमाने का चक्कर में राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, तब देख करके आओ तो क्या कर रहा है, 6 महीना हो गया। लेकिन जब उसने आया है ना, देखा क्या आलिशान मकान बनाया, घर को सामने मर्सिडीज गाड़ी 5-6 खरीद हुई, और बड़े नौकर चाकर है काम कर रहे हैं, एक काम बड़े धूमधाम से चल रहा है। जब वो सेठ आया, देखा वो जो नौकर एकदम बूट सूट कोट पहन करके छत से ऊपर गए, नीचे उतर करके आए। जब उसने उतर करके आए तो वो जो सेठ था वो पूछ रहा है, तुम मेरे को जानते हो। लेकिन वो कहता है तू कौन हो, तू बोलो तू कौन हो। बोल मैं कौन हूँ, तो भीख मांगते मांगते मेरे दरवाजा पर आया था, 3 दिन से भूखा हूँ मैं, और मैंने सारे बिजनेस को दे दिया, और तू बोल रहा था महीना खत्म होने से पहले 10% दे जाओगे, 6 महीना हो गया तू अपना सूरत भी दिखाने के लिए नहीं आया, और तू कहते तू कौन है जिसकी वजह से आज इस तरह ठाड़ बाड़ तेरी है, अगर तू कौन है, क्या दिल हुई तेरे साथ में 10% देने के लिए, 9% तू रख और 10% मेरे दे, लेकिन तू 6 महीना हो गया तो आया वो व्यक्ति कह रहा है वो भिखारी, बल्कि इस चीज 10% कर दो, तेरे को मैं 10% क्यों दू, दिन भर काम करूंगा मैं और कमा करके मैं पैसा कमाऊंगा मैं, अब तेरे को बैठ बैठ कर 10% क्यों दू। अगर आपको साथ में ऐसे कोई व्यक्ति करे, आप बताओ ऐसे व्यक्ति का आप क्या बोल सकते हैं माता जी, आप क्या बोलोगे ऐसे व्यक्ति को, आप क्या बोलोगे माता जी, बोलो एक शब्द होना, वापिस ले लो, आप क्या बोलोगे, अरे बोलो एक कुछ तो बोलोगे ना भाई, आप क्या बोलोगे पीछे बैठे आप बताओ, आप क्या बोलोगे एक एक शब्द बोलो, हाँ इसे नमक हराम, हाँ झूठबाजी, बेईमान, इसे सब बोले ना। हाँ देखो ध्यान देखो, जानते हो वो व्यक्ति कौन है, हम ही है वो व्यक्ति, हम ही है। इसे सूरदास का कि पहले बोले जीनी तनु देही ताही विसर आई, कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिला कलगामी, सूरदास का पहले बोले जीनी तनु देही, जिसने कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया, अगर वो चाहता है ना हमें किसी पेड़ पौधा जानवर जीवन में भेज सकता था, अगर वो चाहता तो देखना कितना लोग लंगड़े लुड़े घूम रहे हैं, वो हमें तो भी बना सकता था, लेकिन हमें नहीं बनाया, उसने हमें इतने सुंदर इंसान का जीवन, बुद्धि, विवेक, अच्छे परिवार में किसने दिया है, किसकी कृपा से मिला सब चीज, ठाकुर को कृपा से मिला है ना, ठाकुर की कृपा से मिला। लेकिन वो कहता है भैया तेरे को मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन तू मेरे को 10% दिया करो, कितना दिया करो, वो पैसा हमें से नहीं मांग रहा है, तू 10% पैसा दे, नहीं वो कहता है 10% समय दो, 90% तू अपना लिए व्यवहार कर, लेकिन मेरे को केवल 10% तू समय हमके दो, लेकिन हम क्या कहते हैं तेरे को हम 10% क्यों दे, तू होता है कौन, तू होते ही कौन, 10% मतलब होता है बताओ दिन रात मिलकर 24 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया ना, 10% कितना समय होगा बोलो, तो बोलो कितना होगा, बोलो हिसाब से बोलो कितना होगा, बोलो जोर से, 2.5 घंटे, हाँ 2.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट ऐसे कुछ होता है, 2.5 घंटा ऐसे होता है। इसलिए ठाकुर जी कहते भैया मेरे को थोड़ी सी इतना समय दो, मेरे को भजन करो, मेरे नाम करो, मेरे भक्ति करो इतना समय, और पूरा के पूरा तुम अपना जीवन को कहाँ पर लगाओ, तुम अपना काम में पूरा लगाओ। लेकिन हम क्या कहते हैं तू कौन रहते थे तो हम समय कहते हैं, किसी ने भागवत में कपिल देव अपना माँ को ये बात को कहते हैं, माँ माँ की पेट में जो बच्चे का 7 महीना हो जाए उसी समय में उसका 1000 जन्मों की बात याद आता है,
हैं, पहले पहले जन्मों में कैसे कैसे कर्म किया, क्या क्या कर्म करके माँ के पेट में आया, टाटी पे सर का नहीं होता है, सर नीचा होता है, काम ऊंचा होता है, हैं? भगवान को पुकारता प्रभु ये नरक से मेरे को निकालो, ठाकुर बोलते बताओ क्या करो, बोले प्रभु एक बार ये मानव शरीर दे दोगे ना, हम कान को करते कसम खाते हैं कभी ये झूठा संसार में हम नहीं खाते, उठते बैठते सोते तेरे नाम ले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को होता न लगे कपा, माते गर्भ से तो कसम खा करके आए ठाकुर जी, लेकिन इधर आ करके ना सब भूल गए। बोलो इसको भक्ति करने के लिए जो काम के लिए आए थे उसको तो पीछे रख दिए, अब जो नहीं करने के लिए आएगा ना उसको भी चलेंगे। अगर बोलो थोड़ा समय तो समय का हमारे पास में, लेकिन देखना स्मार्टफोन देखने के लिए समय, टीवी में कोई सीरियल आएगा तीन तीन घंटा बैठ करते थे, किसको सास में गप्पे मारेंगे, देखने सबके लिए समय है, लेकिन जो भगवान की भक्ति के समय मारो ना, बोले समय कहाँ हमारे पास में समय कहाँ है, है? इसलिए ठाकुर जी के तो भैया ठाकुर जी के लिए 10% दो, 10% कैसे देंगे ठाकुर जी को, भगवान बोले कलियुग में भगवान सबसे सरल उपाय बताया, बोले कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही परा, कलियुग में ज्यादा परिश्रम प्रभु नहीं बताए, जानते हैं कलियुग का जीव इतने कष्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए भगवान सबसे सरल उपाय बताए, भगवान के नाम को तो जप करो, भगवान के हरि का। इसलिए हमारे भारत में देखना अंतिम समय में जो शरीर छूटता है जब ले जाते हैं क्या बोलते हैं, बोलते ले जाते हैं यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गए है, सब की बात झूठा है, हैं बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं जो ऊपर लेटा हुआ है, ये तो भैया जितने प्रभु का नाम लिया तो ही जा रहा है, इसके सिवा इतने जोग जो किए है ना, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही, सब छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दीप हरे सदगुरु कृपा करे अपना, यो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सब भजन गाते हो सब जानते हो, इसलिए ठाकुर को कितना समय देंगे बताओ, 10% दे दो, अगर 10% नहीं दे सकते हो 5% दे दो, अगर 5% नहीं दे सकते 2% दे सकते, दे सकते कि नहीं, अरे बोलो दे सकते कि नहीं, कौन देगा हाथ उठाओ, कौन कौन देगा 2%, अरे अच्छी हम लोग सब समझ गए। हाँ अभी प्रश्न है 2% कैसे दे ठाकुर को, ठाकुर को कैसे दे, बोले भगवान की नाम को द्वारा, कैसे ठाकुर जी की, अब चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो ना, सुने हो, एक दिन महाप्रभु ने महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है, भगवान बोले देखो सबके घर में भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में करते हैं, बोले जो लखपति बने, आज से 550 साल पहले उस समय लखपति कोई साधारण बात नहीं था, लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर, भक्त लोग दुखी दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर जिसको घर में, बोले प्रभु हमारे घर में तो 100 रुपया भी नहीं, आप कहते जो लखपति बनेगा उसको घर में खाएंगे, क्या हमारे घर में भजन नहीं करोगे, फिर भगवान बैठा है सबको समझाया, तो जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जपते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल लगी, और माया के जो बने पुजारी आखिर में डाला, आप लोग मेरी तरफ से देखो इधर देखो, अब लखपति कैसे बनोगे, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, सुने हो अमिताभ बच्चन का नाम, वो बोलते थे ना कौन कौन बनेगा करोड़पति, बोलते ना कौन टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पर महाप्रभु बोलते हैं कौन बनेगा लखपति, आप लोग देख लो कैसे लखपति बनोगे, देखो जैसे ये माला है ये भगवान समझा रही, जैसे ये माला है, जैसे ये माला में ना जैसे हरे कृष्ण कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण तीन मोती जब करते करते यहाँ जब खत्म हो जाता है ना, फिर इसको हम ऊपर में पार नहीं करते, फिर ऐसे घुमा देते हैं, देखो लखपति कैसे बनोगे,
जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। जब एक मोती गया 16 बार और दूसरे मोती में कितना? 32। ऐसे ऐसे करते करते अगर कहते इसको अगर 25 अगर इसमें कोई 16 माला कर लेता ना इसको 16 माला कर ले तो हो जाता है 25,000। अगर किसी ने 64 माला कर लिया हो जाता है 1,00,000। भगवान कहते हैं 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट है। तो भैया ब्याज कितने मिलेगी? ब्याज तो मिलनी चाहिए ना, इसलिए मीरा कहती है दीन दीन भरत सवाल। आज अगर 1,00,000 दिया ना कल आपको 1,25,000 और 4 दिन में ना 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000। अभी जो धन है केवल तुम्हारी डिपोजिट ही हो रही है, इसलिए कहते चोर नहीं लगे लुटे नहीं जाओगे दिन दिन बड़ा तो सब आई धन कबल बढ़ेगी। और यही धन ही हमें अंतिम समय में यही धन काम में आएगा, ठीक है ना। जैसे सबके समय हरिनाम करो, अब देखना जितना समय हरिनाम करोगे ना अब स्वयं देख लोगे मन को कितने शांति मिलती, कितने मन को शांति मिलती आप स्वयं देख लोगे कितने शांति मिलती है मन को। और यही धन ही काम में आएगा, इसलिए ठाकुर जी को पहले 2% देना शुरू करो, मतलब एक के दो दो माला, एक माला करने के लिए 10 मिनट लगता है, हैं? पहले एक माला का शुरू करो। माला करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करते हैं ना, एक एक माला दे दूंगा, ठीक है। एक एक माला लेकर के खुद भी करो परिवार में करो, इस घर में करूंगा 32 जो पूरा है ना जो 25 परिवार में आए हो ये सबके सब हरिनाम करते हैं, ये सबके सब ठाकुर का हरिनाम करते हैं, ठीक है ना। हरिनाम करना। और यहाँ पर और कौन आए तुम लोग साथ में? यहाँ के लिए आए हो? कहाँ है खाना बनवा रहे? हाँ तो तुम अकेले आए हो और नहीं है? कहाँ है? आज या तीन ना खाना बनवाने के लिए जब बुलाओ ना पहले खाना बनवा के रख दो, क्योंकि जो असली खाना है ना भगवान का नाम रूपी भोजन है, ये असली भोजन यही है। इसलिए हम चाहते हैं घर घर में प्रभु का भजन हो कीर्तन हो और घर वृंदावन धाम बनेगा, ठीक है ना। और तुम्हारी मैं बेटे के साथ आई हूँ, बेटे के साथ आई हूँ। और सामने जो बैठे थे ना तो कहाँ चली गए? बुला उसको, बुला दो जाए। वो अपनी गाड़ी में आया, मैं अपने बेटे के साथ आई हूं। हां तुम्हारी बेटा है? तुम्हारी बेटा ही है तुम्हारी? एक बेटा है ना? ये बेटा है। ठीक है तो बेटा ये कथा सुन, अरे भाग्य का आप सबको बताइए, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी तो भाग्य ना? नहीं नहीं ये बढ़िया आप हो जाए, तैयारी करा रहा जी तुम्हारे साथ कौन है? बच्चों के साथ में आए, इसलिए सब सब लोग में आप अकेले आए हो? आपके साथ में कौन है? और ये पत्नी है? सब एक को माला ले लो, ठीक है। माला लेकर ना खुद हरिनाम करो, बच्चों को भी हरिनाम कराओ, है जिस घर में इतना बचपन अच्छे संस्कार पड़ेगा ना बच्चे होकर के फिर बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, नहीं तो बच्चे भक्ति नहीं करेंगे, सेवाई नहीं करेंगे, सुबह हो जाएंगे, ठीक है। सब हरिनाम करना, ठीक है ना। अभी कोई बढ़िया कहानी सुनाया उनको, अभी मैंने कथा सुना रहा था, हम भगवान को समय क्यों दे, ठाकुर के लिए समय हम क्यों दे, हैं? इसलिए पुजारी है ना, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोले थे कल कल कली युग में भगवान सबसे सरल उपाय बताया, सरल उपाय क्या बताएगा? मेरे नाम को जप कर, ठीक है ना, केवल हरि का नाम जप कर। आप लोग सब प्याज लहसुन खाते हैं? सब खाते हो? सब खाते हैं। धीरे धीरे कोशिश करना, जैसे प्याज लहसुन ना धीरे 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 छूट जाएंगे, क्योंकि अगर प्याज लहसुन नहीं खाओगे ना, इधर सुनो, अगर प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो ठाकुर को भोग लगा सकते हो ठाकुर, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसाद सर्व दुखाना हानि रस को जाए थे, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मेरे को भोग लगा कर खाएगा घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, कृष्ण कहते हैं। और जो भोग नहीं लगाएगा कृष्ण कहते हैं भुंजन दे तो अधम, वो पाप भजन होता है, पाप भजन होता है।
सुदामा जी का नाम सुने होंगे, आप टीवी में देखे होंगे, ये सुदामा पहले गर्वी क्यों बना, फिर धनी कैसे बना, आप देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में जा रहे थे, गुरु माता ने उनको चना दिया था, बोले कृष्ण को दे कर खाना, उसने भगवान से छुपा छुपा के खाया, देखे कि नहीं, इसलिए उसको दरिद्र बना पड़ा, लेकिन धनी का बना। फिर जब भगवान को दर्शन के लिए गए, दो मुठी चिड़वा लेकर गए तो ठाकुर दो मुठी खाए, इसलिए भगवान को देख रहे खाएंगे ना, घर में लक्ष्मी की भी धोखा जा रहे, इसलिए कैसे भगवान को देख रहे खाने से क्या होगा, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, ठीक है ना। अगर प्याज जैसे नवरात्रि आती है ना भारत में, देखना 10 दिन तक कोई नहीं खाती है, खाते नहीं ना, ठाकुर को भोग नहीं लगता है, धीरे धीरे कोशिश करना, जैसे ये चीज धीरे 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 छूट जाए, ठीक है, धीरे धीरे छूट जाए और भगवान को भोग लगा के खाओ, और तो और खाएंगे तो घर में सुख शांति रहेगा, घर में आनंद रहेगा, घर में लक्ष्मी की भी कृपा होगी, ठीक है। सबके सब हरि नाम करो, जैसे देखो जो पूरा जो परिवार है ना, जो परिवार ही कहीं पूरा पूरा किसको भेज दिया सबके सब, अभी ठाकुर को देखो सब घर में कंठी तिलक, इनकी पत्नियों को देखो सब तिलक कंठी, भगवान के हरि नाम करते भजन करते, इसलिए आपके घर में भजन करके घर में शांति सुख रहेगा, ठीक है। तो हरि नाम करो और भक्ति में सबके सब जुड़ो, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आपको इधर सुना, आप तीनों को ना माता जी इधर देखो, आप तीनों को एक माला देता हूँ, अब एक माला से सबके पूरा परिजन जप करना, इसको मंदिर में रख लेना, रख करके जब आपका समय हो आप कर लेना, एक एक माला करो, 10-10 मिनट लगेगा, ठीक है बच्चा, जब एक माला करके माता जी को भजन करना, पढ़ाई कर रहे हो, हाँ जी, ठीक है, क्या कर रहे हो, मैं 11वीं में हूँ, हाँ 11वीं में, ठीक, बहुत अच्छी बात, ठीक, और बेटा अच्छा बेटा, सत्संग में देख रहे आए, बहुत अच्छी संस्कार, तुम लोग के बच्चे को भी सत्संग में लाया करो, ठीक है, आपको पूरा कितनी लोग एक माला देता हूँ, और माला है, मैं लेके आया, कहाँ है, भगवान की भजन करो और जीवन में सुखी रहो, ठीक है, हरी नाम जपते शुरू से जपते नया नहीं है, ये ले लो, तुम ले लो, तो भी ले लो, हम दोनों पति पत्नी का ना, तुम पति नहीं पति नहीं है, नहीं वो खाना बना रहे हैं, अरे पति बोल रहे हैं, ठीक है, हरी नाम, ये सिंपल तो सिखा दो, कैसे करेंगे, तो पीछे जो माता जी बैठे, ये इधर आओ, ये इसके पति जी, हाँ ये इधर आ जाओ, इसके पति हाँ तुम्हारी है, माला दिया तो ना मिलेगा, पूरा पूरा परिवार मिलेगा, हाँ भगवान की भक्ति करेंगे ना, भगवान का आशीर्वाद से सुख शांति रहोगे, और कोशिश करना धीरे धीरे अगर प्याज दर्शन छूट जाए तो ठाकुर भोग लगेगा, ठीक है, आप भी लोग आ जाओ, करती हो कितने वाला करती हो, हरे कृष्ण मां, और ये करते कि नहीं, आप लोग इधर दो माला है, करती हो माला को, ठीक माला करना दोनों, ये नहीं करता कि जब एक माला नहीं करेंगे ना उनको खाना नहीं देना, वो नहीं खाते खाना, खाना भी नहीं खाते, इसलिए भजन करते दोनों मिलकर, ठीक है ना, माला करना, माला करके दोनों भक्ति करेंगे तो
बच्चों को भी हरी नाम कराओ, बच्चों को भी आप तुम्हारा काम में और किसी को चाहिए माला? माता जी मेरे पास में है, आपको ये माता जी आपकी ये तुलसी की माला है जी? नहीं ये नहीं माला, तुलसी माला ना, आपको तुलसी माला नहीं दिया, ये माला प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। जब आप तैयार हो तो छोड़ देते हैं ना, फिर हम तुलसी माला देते हैं। देखो माता है, किसी और को चाहिए माला? देख लो कैसे करोगे, उसका देख लो, माला को निकालो, माता जी माला को निकालो एक बार, देख लो कैसे करना माला। निकालो अब, देख लो माला कहाँ करना है, मम्मी को कहा देख लो, ठीक है? ये जो माला है ना, हाँ इधर देखो, ये अंगुल है ना, इसको नहीं लगाना, ये गलत है अंगुल, ये अंगुलों को मतलब लगाना, नहीं लगा रहे थे बीच वाला अंगुल, इसको ऐसे कर पार ऐसे घुमा उसको, ठीक वहीं से कर। हाँ जैसे जैसे हरे कृष्णा लोग माला इधर आ तुम देख लो ये भी प्रीस्ट है, प्रीस्ट है ये भी। हाँ बस देखा, अच्छा अच्छे संस्कार इसी उम्र में ना, सारे जो बच्चे का काम कर बैठे इसलिए ये बैठ सारा करता है, इसलिए वो बैठा है। इसी उम्र के बच्चे अभी पूरा उनका लगता है, जैसे देख लिया आपने, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे बोल करके ये एक पति संकेगा, ठीक है ना? निकालो देख लो, फिर पास में निकाल देख लो, यहाँ पर क्या करो, कैसे करो, जैसे हरे कृष्णा उसको पार करो, इसको ऐसे इसको, हाँ ऐसे, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पता जी इधर देख लो, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उन लोगों को बोलता हूँ, तुम लोग देख लो कैसे करो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। ऐसे करते करते जब यहाँ खत्म हो जाएगी ना, यहाँ जैसे खत्म हो जाए, इसको पार नहीं करना, इसकी चीज भी याद रखना, फिर ऐसे घुमा देना, और जैसे माला ली ना रोज करना, ऐसे नहीं इसको लेकर रख दिया, नहीं इसको नियम बना दो, जब तक एक माला नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, 10 मिनट लग जाएगा। अब देखना भगवान के नाम से कितना शांति सुख मिलेगा, खूब देखो कितने मन को शांति मिलती है, इसको लेकर के ना माता जी की माला रोज करना, ठीक है ना? आपका पति को भी बोलना, उनको बोलना, आपको पति को भी बोलना एक माला करो, पति पति भी है ना, ठीक है? दोनों मिलकर भजन करोगे तो बच्चों को बड़ा अच्छे संस्कार पड़ेगा। और सब फिर कहा इधर है, इसको मंदिर इधर है, ठीक है? रोज करना इसको, इसको भूखा नहीं रखना, रोज करना मतलब, ठीक है? और इसको साथ में जुड़े रहना सब, ठीक है? जुड़े रहना और कोशिश करना कि आज जो छुट जाए तो अच्छा है, आप भोग लगा करके भोजन कर सकते हो, भगवान का भोग लगा कर भोजन करेंगे तो मस्त पवित्र होगा, नहीं तो मन पवित्र नहीं होगा, ठीक है ना? धीरे 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 कोशिश करना कि आज छुट, ठीक है? हरे कृष्णा, सबके सब पीछे ताली बजा के उसका कीर्तन कर लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब ताली बजाते हुए कीर्तन करो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम बोल रहे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम
अच्युत कृष्णा माधवी अनुराधा कितने देखो जो भागवत में ना अजामली का नाम सुने होंगे उनने बच्चा का नाम छोटा बच्चा का नाम केवल नारायण रख लिया था और सबसे छोटा बच्चा प्यारा होता है अंतिम समय में कैसे एक बार केवल नारायण मुंह से निकलता है एक तरफ में जमदूत एक तरफ में विष्णुदूत आए मिले है इतने में जमदूतों को विष्णुदूत मार मार कर भगा दिए पहले उसने अंतिम समय में ठाकुर का नाम लिया बोले ठाकुर का कब नाम लिया वो तो बेटे को बुलाया था बोले बेटे को तो बुलाया था लेकिन नाम किसका है बोले ठाकुर जी का नाम है भगवान का नाम किसी तरह से मुंह से निकल जाए कल्याण मिले उधार हो जाते इसलिए आपकी बच्चों का नाम ठाकुर का नाम करा दो ऐसे नहीं विदेश में आकर टोनो बोलो टीके सूर्य का बहुत अच्छा नाम थोड़े बच्चों को अच्छे संस्कार दिया किधर सुना कहते जिसको बच्चा भगवान की भक्ति करता है ना भागवत कहता है उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है 21 पीढ़ी उधार हो जाएगा घर में एक बच्चा अगर उनके भजन में कर दे कि भगवान नरसिंह देव कहते बोले कुलम पवित्रम जननी पिता था जो पिता माता जन्म देते हैं उनका जीवन भी धन्य हो जाता है बोले नृत्य स्वर्ग के पितर पितर साम जो पहले चले गए जब देखते हैं घर में कोई भक्ति करता नाचना शुरू कर देते हैं हमारे कितने भाग्य है घर में बच्चे भक्ति कर रहे हैं इसलिए अच्छे संस्कार बच्चों को दो बच्चे कितना पैसा दिया बड़ी भाई बात ने बच्चों को जितने संस्कार दिया ये बड़ी बात है ये बहुत बड़ी चीज है संस्कार दो बच्चों को अच्छे संस्कार दो हैं बढ़िया संस्कार दो जैसे बच्चे बड़े होकर कम से कम पिता माता की सेवा करें पिता माता के आदेश का पालन करें हैं गुरुजन को आपके पालन करें राम जैसे बेटा हो सीता जैसे बहू हो लवकुश जैसे नाती पोती हो ठीक है ना बस वही घर अयोध्या है अयोध्या मतलब यहाँ झूठा नहीं होता है कभी झूठा होता नहीं ठीक है ना बच्चों को अच्छे संस्कार दो ठीक है बच्चा रोज सवेरे उठकर पिता माता के चरण छूनी चाहिए छोगे कि नहीं बहुत ही अच्छी बात है हाँ देखो हम ये बताना चाह रहे थे इधर सुना देखो आप भी अपना घर में ऐसे भक्तों को बुला ठीक है घर में अगर भक्तों को बुलाओगे घर में हरि कीर्तन होगा घर का जितने दुख कष्ट है जिस घर में कीर्तन हो जाए तो जितने दुख कष्ट जंजाल भूत पिशाच सब घर से भाग जाते सब घर से भाग जाते हैं भगवान कीर्तन होकर सत्संग होने पर इतने महिमा जैसे इन लोगों ने बुलाया तुम लोग भी बुलाए लेकिन अभी क्या होता है जानते हो हम घर में साधुओं को नहीं बुलाते शराबी बदारी और जुआरी गंजड़ी भंगड़ी को घर में बुलाए जो मांस खाए मदिरा पान करे घर में पार्टी करते हैं नहीं ऐसे लोग को बुलाने नहीं चाहिए मना क्या देखो एक संत कहते थे मैं नहीं मेरे भारत में एक बहुत बड़े संत कहते थे देखो जैसे बच्चे का बर्थडे अपना शादी की साल अलग रहे अगर जैसे जिस बच्चे का उद्देश्य में बच्चे का बर्थडे मतलब कल्याण हो अगर तुमने इतने बोतल तुड़वाओगे शराब पिलाओगे इतने जानवर में मरवाओगे ये पाप किसको पर लगेगा आप जिस बच्चे को विदेश में सब काम करवाया वो सत्य कहते थे अगर वो 100 साल को हो
उसी दिन 50 साल में उधर आएगा, क्योंकि तुमने उसकी उद्देश्य से तुमने इतने शराब पिलाया, इतने तुमने जीव जानवर उतने मरवाया है, वो संत कहते थे। इसलिए कहते नहीं, उल्टा पुलटा लोग नहीं, घर में हरि कीर्तन देखो, आज जिनसे घर में बुलाया ठाकुर को भोग लग रहा है, घर में हरि कीर्तन हो रहे, आनंद आनंद आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं ठाकुर के साथ कीर्तन। इसलिए घर में आप लोगों भी ऐसे बुलाओ, आज जैसे इन लोगों ने घर में भक्तों को बुलाया, इसलिए ताली बजाओ उनके लिए, समझते भक्तों को हरि कीर्तन बुलाया गया, ठीक है ना। इसलिए एक बार खड़े हो जाओ ठाकुर जी का आरती, प्रभु जी भोग लग गया, इसलिए एक बार खड़े हो जाओ ठाकुर का भी आरती होगा, सभी बार कीर्तन करके नाच लेते हैं घर में, ठीक है, भगवान के कीर्तन सभी लोग निशान करते हैं।